स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बनवाए गए सामुदायिक शौचालयों को महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपे जाने संबंधित बैठक संयुक्त निदेशक पंचायती राज ए के सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीडी पंचायत समरजीत यादव, पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित सभी एडीओ पंचायत मौजूद रहे। बैठक में जिले के 1294 गाँव के सामुदायिक शौचालयों को महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपे जाने के संबंध में चर्चा की गई और कहा गया कि 3 दिन के अंदर सभी शौचालयों को महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंप दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, एक जनरल चौकिया से गौरी सिंह जुड़े हैं, बोला विनय कुमार, संदीप कुमार सिंह, कौड़ी राम अखिलेश गुप्ता, पाली आनंद प्रताप सिंह, इतने ग्राम पंचायत आप देखते हैं। तुम इसी में बात करो सर से और अपने अपने कुल ग्राम पंचायतों में समूहों में कितना भुगतान किया हो क्या बताओ, कितने गांव देखते हैं आप? चार गांव हो गया कि होने वाला है जो तुरंत करो, और एक भी क्या टेक्निकल कमी है। आज शाम तक पेमेंट करा ही नंबर, अगर नहीं हुआ गुप्ता जी सुनकर क्यों नहीं काम करा जी, क्यों नहीं काम कर रहे हो? आज लखनऊ से ज्वाइंट डायरेक्टर पंचायती राज की अध्यक्षता में एक टीम आई है जो हमारे सामुदायिक शौचालय पिछले वित्तीय वर्ष में बने हैं उनके हैंडओवर जो होना है स्वयं सहायता समूहों को उसके रिव्यू के लिए आई है और उसमें 100% स्वयं सहायता समूहों को हैंडओवर करने का निर्देश जारी किया गया है जिसमें हमारे 400 से ज़्यादा पहले ही जो है हैंडओवर हो चुके हैं। बाकियों को हमें कल शाम तक या अगले 3 दिन के अंदर अंदर हमें उसको कंप्लीट हैंडओवर करना है। हैंडओवर का मतलब है कि समूहों के खाते में जो भी महिला को रखा गया है उसको एक करार करके उसका पूरे जो भी स्टॉक लिस्ट बना के उसको हैंडओवर करना और उनके खाते में जो 9,000 रुपये है पर मंथ के हिसाब से ट्रांसफ़र करना, जिसमें से 6,000 रुपये महिला जो उसको देख रेख करेगी उनको मिलेगा और 3,000 रुपये मेंटेनेंस का कॉस्ट।